टू माई चैनल फ्रेंड्स. अब मैं ये मेहंदी और हल्दी के फंक्शंस के बाद में अब मैं ये शादी का सीज़न का अब आपको मैं वीडियो दिखाने वाली हूँ, जिसका मैं एक अच्छा सा ब्लॉग बनाने वाली हूँ. आप इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा. मैं इस पूरे शादी का पूरा आपको डेकोरेशन दिखाऊँगी एंड किस तरह से मैं इस शादी को इंजॉय करने वाली हूँ. मैं वो सारा चीज़ें आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ. फिलहाल मैं मेरा ये आप देख सकते हैं ये ड्रेसिंग है ये मेरा, और मैंने ये जो ड्रेसिंग की है ये हेयर स्टाइल की है, आपको मैं बता देती हूँ कि ये मैंने बहुत मुश्किल से मैंने किया है विदाउट मिरर. आपने शायद मेरा लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने विदाउट मिरर मेकअप किया था, तो आज भी मैंने ये विदाउट मिरर ही मेकअप किया है. आप देख सकते हैं ये मेरा मेकअप है एंड मेरा ड्रेसिंग है. सो अब मैं अपने शादी के सेरेमनी में मैं पहुँचने वाली हूँ इस कम्युनिटी हॉल में. Yeah.
जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। सो फाइनली शादी का जो है सब कुछ मतलब दूल्हे के जो है फेरे फेरे का काम चल रहा है और मैं यहाँ पे रूम में थोड़ा सा चेंज करने के लिए आई हूँ ताकि ये सब जो ज्वेलरीज मैं पहन रखी हूँ इसमें बहुत इसको वेयर करते करते मेरे खुद के बहुत होने लग गया है और खाना वाना इतना इतना ज़बरदस्त लजीज खाना मैं खाई हूँ कि मैं क्या बताऊँ। जैसे कि मैं जंक फूड ऑयली फूड को प्रेफर इतना नहीं करती हूँ बट आज मैंने इतना खाया है मतलब कि मिठाई एंड आइसक्रीम्स इतनी खाई है कि वो तो शायद आप लोग भी खाते होंगे शादी में जाते होंगे तो एकदम अनकंट्रोल्ड हो जाते होंगे कि जैसे कि ये खाना है वो भी खाना है तो वो एक्स्ट्रा में हो ही जाता है। हम लोग क्लाक एकदम कॉन्शियस हो जाए फूड को लेके कि हम लोग इतना सा खाएंगे बट जब आप बाहर जाते हो तो फिर मैं उसमें आप लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते सब कुछ खाते हो और मैं तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ सब चीज़ ट्राई करती हूँ इतना सा सब कुछ। मुझे इस शादी में बहुत मज़ा आया शायद आप लोग को भी वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा और बस अब मैं अपना जाके चेंज करूँगी और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी बिकॉज फुल डे मतलब इसी तरह से कभी कुछ फंक्शंस में लगे रहना एंड इस तरह से सज सज के तैयार होना ये बहुत बड़ा टायर्डनेस है और ये जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही मुझे बहुत मज़ा भी आया। सो गाइज अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक बिग थंब देना मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स टिल देन बाय बाय।